अरे भाई, इंस्पेक्टर साहब आए। हाँ, बुलाओ उसको। आइए साहब। नमस्ते जी। क्या रे, फिर से दो चौकरे चाहिए मेरे इलाके से? जी सर, ये केस क्लोज करने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर है। पिछले महीने 5 लौंडे लेकर गए थे तुम, उन सबको अंदर कर दिया, लेकिन पेमेंट खा गया क्या बताओ? पुरानी पेमेंट और आज का एडवांस दोनों देता हूँ ना, मेरी मजाल जो शेट्टी अन्ना से गुस्ताखी करूँ। अच्छा जोक था, बहुत हंसी आई। दो चोकरे चाहिए क्या, तो उठा लो, गिरफ्तारी होगी। घर वाले छुड़वाने के लिए मेरा बेजा खाएंगे, मैं बोलूंगा छुड़वा दूंगा। पेमेंट का क्या सर, रिश्वत लेना तो हमारा काम है, देते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। जाओ जाओ, दो लौंडों को उठा लो, लेकिन बैलेंस पेमेंट याद रखना। अच्छा आप बताओ, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है? जौ, गेहूं, चावल, चना? चावल सर। शाबाश। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ, सिर्फ तुम ही लोग आए हो? अरुण और सुनील कहाँ हैं? दोनों को पुलिस उठा कर ले गई सर, बोलते हैं कि उन दोनों ने कमिश्नर के बेटे को मारने का प्लान बनाया था, सब झूठ है सर। अरे ये देखो, अपने मास्टर जी आ गए। सर आप तो जानते हैं, मेरा बेटा अब सुधर गया है, वो अपना पूरी लोगों के साथ नहीं रहता है, लफड़ा किसी और ने किया और ये मेरे बेटे को उठा के ले गए। बनाया हुआ केस है सर, पहले भी दो केस में इनका नाम आ चुका है, अब इन पर 75 ठोक डाला, बड़े लोग मिले हुए सर, लेकिन अगर इंस्पेक्टर चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं। मैंने कहा था ना, अपने बाल कटवा लेना। बाल ही कटवाने के लिए गए थे सर। कहा था, कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, बहरा है क्या? ले सर, फाइल साइन करके इन्हें अंदर डाल। सर कल इन बच्चों के एग्जाम है, कल तक ये लोग आवारा गर्दी करते होंगे, लेकिन अब सुधर गए सर। अगर आप इनको कस्टडी में ले लेंगे तो ये कल एग्जाम नहीं दे पाएंगे सर, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। सेक्शन 75 ही है ना सर, अगर आप चाहें तो इन्हें आराम से बेल दे सकते हैं। सर ये इनके ट्यूशन मास्टर हैं, IAS की तैयारी भी कर रहे हैं। तभी हमें ज्ञान पेल रहे हो, दो केसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, अगर तीसरे केस में नाम आया तो लंबा अंदर जाएंगे। अभी आया तो नहीं है ना? तो क्या छोड़ दें? मालूम है इनकी करतूतें, दिन रात कोने में बैठकर गांजा फूंकते रहते हैं। सर बड़ी मुश्किलों से मैं इन्हें पटरी पर लाया हूँ, कल इनका एग्जाम है सर। FIR हो चुकी है, ये सब अदालत में बताना। ये लीजिए सर, ये कंप्लेंट तो पिछले साल हुई थी सर, और अरेस्ट आपने अब किया? हाँ, एक साल से हम इन्हें ढूंढ रहे थे, अब जाके पकड़ में आए हैं। ये तो बाजू में रहते हैं और इन्हें ढूंढने में आपको एक साल लग गया? पता है ये लोग किसे मारने वाले थे? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के बेटे और उसके आदमियों को। नहीं सर, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, ये सरासर झूठ है सर, आप असली मुजरिम नहीं पकड़ पाए तो इन बच्चों को फंसा लें। नई शर्ट पहनी है, 2 मिनट लगेंगे फाड़ने में। ए सर, बाहर निकाल साले को। ओके सर। मास्टर हमें ट्यूशन पढ़ा रहा है सर, आपको कैसे है, सबको दिक्कत तो नहीं? सब लोग ठीक है ना? जी अन्ना। सुनो मल्लिका जी, मैं टैंकर वाले को बोला सुबह शाम दोनों टाइम पानी देने का, क्यों ठीक है ना? ठीक है। और मैंने इलाके में मच्छर की दवा छिड़कने का बंदोबस्त किया है, सब खुश हो ना? यस सर। हाँ, मैंने जो भी वादा किया है वो पूरा करूँगा, वैसे तुम लोग भी मेरा ध्यान रखने का, समझ गए? और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का, अब बीच बोलने का, मैं ठीक करेगा प्रॉब्लम, बोर्ड का टाइम पे पलटी नहीं मारने का। अन्ना जब आप हो तो इन्हें क्या प्रॉब्लम होगी, बराबर बोला ना? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं आने का, ऐसा ही चलेगा सब। मैं इस एरिया में ट्यूशन लेता हूँ सर, पुलिस कभी भी बच्चों को उठा ले जाती है और किसी भी झूठे केस में फंसा देती है सर, अगर आप इसकी जांच करवाएंगे तो अच्छा होगा सर, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है सर, कुछ सोचिए। ठीक है मैं देखता हूँ। गुड इवनिंग ट्यूशन मास्टर। हेलो। ए, समझता क्या अपने आपको, सुल्लू की कॉलेज में तूने ही बेइज्जती की थी ना, और शेट्टी अन्ना के सामने भी शान पट्टी कर रहा था, चाहता क्या तू? देखिए मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे दो स्टूडेंट्स को पुलिस उठा के ले गई, इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। किसने बोला आवाज उठाने को, परमिशन किसने दी तेरे को? हाँ क्यों बोला था तू? इधर देख, इधर रहने का तो जास्ती नहीं बोलने का, भेजे में फिट कर ले।
क्यों रे, तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है। भाई लोग के माफी क्या खुन्नस दे रहा है तू? लग ही नहीं रहा तेरे को खुन्नस दे रहा है भाई। ये देखने में तो यड़ा लगता है पर अंदर से डेढ़ छाना है, अभी भी खुन्नस दे रहा है। अपन एक छोटा बच्चा है और तू बच्चे का खिलौना है, अब देख बच्चा खिलौने के साथ कैसे खेले। ये ले। अरे खिलौने को मारा क्यों? खिलौने खुन्नस दे रहा है। बेचारा। कोई बेचारा बेचारा नहीं है। प्लीज बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा, उनको पढ़ाना है, प्लीज मुझे जाने दो। एक राफ्टा और थोपड़ा देख इस लल्लू का, क्या सॉलिड दिया है। एक और देना मेरी तरफ से। ये तेरी तो भी। सॉरी सर। हाथ दिला है। अबे क्या कर रहा है मेरे को। आज रात को आगे नहीं बढ़ने का। एक अभी भी घूर रहा है। मास्टर तुझे ऐसा पढ़ाऊंगा कभी भूलेगा नहीं। सुन लो, देख अपन इसका कैसा बैंड बजाता है। ए लुके, कितनी बार समझाया तेरे को है? मेरे सामने सीधा होके रहने का। बेरे गेरे, तेरे को मदर तेरेसा बनने का है क्या? अब देख तू सोचेगा साला मैं पैदाइश का ही हुआ। सर अब ठीक हो ना? कभी गुस्सा नहीं आता। वो गुस्सा करके क्या उखाड़ लेंगे, उनकी ताकत तेरे को मालूम है ना। जब तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लेकिन तुम्हें बिना भटके अर्जुन की तरह अपनी नजर अपने लक्ष्य पर जमा कर रखनी होगी, तभी अपनी मंजिल पा सकोगे। सर अगर आप कलेक्टर बन गए तो इनकी बैंड बजा कर रख देना। गुड इवनिंग सर। एग्जाम की तैयारी हो गई? परमेश कहाँ है? सुल्लू के लड़के लेकर गए उसे, कल एग्जाम है। मैंने पूछा उसे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे गुस्से से देख कर चले गए। देख रहे ये सुकड़े का फिर से चालू हो गया। अबे मोगैम्बो, अपनी हंसी से हमको काहे को दुखी कर रहे ले बे। ये कितना भयंकर रस्ता है रे, दिमाग सटकेला है इसका लगता है। ए परमेश, तुम्हें पता नहीं कल एग्जाम है, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उठो मेरे साथ चलो। ए! हमारे जोगरा लोग की लाइफ में काय को एंट्री मारता है रे। कल इसका एग्जाम है, इसे रिवाइज करना है। इधर रिवीजन ही तो चल रहा है ना, चल तू गलती मार। अपन के अड्डे से अपन का छोकरा ले जाएगा रे। अब जाओ मैं बाद में आता हूँ, अपन ने रिवीजन कर ली। परमेश पहले ही 3 बार फेल हो चुका है, लेकिन इस बार इसको हर हाल में पास होना है। ए, चलो। ए रुकना, ए रुकना, ए तुझसे ही बोल रहा हूँ। रिवीजन नहीं करना सर, तुझसे ही बोल रहा हूँ। अरे सुनना, हर हालत में अपने गुस्से पर काबू रखना। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया, माफ करना। गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया सो मर गया। ए माँ के पास रोने घर जा रहा है क्या? अबे बोलना। ए, जाके देख साले को। ए, जाके देख साले को। अरे ये तो अपशगुन हो गया। ए, मारा क्यों? अब मेरे को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इधर बैठ के पूरे कार्यक्रम की कमेंट्री देता हूँ। अब नए खिलाड़ी सुल्लू मैदान में उतर गए हैं और फुल स्पीड में मास्टर जी की ओर गेंद फेंका और यह शानदार कैच मास्टर जी का। और यह सुल्लू का पलटवार, लेकिन सुल्लू गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और ये गया सुल्लू बाउंड्री के बाहर 4 रन। और अब सुल्लू फिर से मास्टर जी की ओर भागते हुए ये पकड़ा। ये दो, ये 3, ये 4,
मैं मर गया।